दोस्तों, अगर रमी पैलेस में आप विड्रॉल नहीं कर पा रहे हो तो आपको इंस्टेंट विड्रॉल करके दिखाता हूँ। सिर्फ एक क्लिक करते हैं तो मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली बैलेंस विड्रॉल हो जाएगा। तो दोस्तों ये देख लीजिए, मेरे पास बैलेंस देख सकते हो 116 रुपीज़ है। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूले। मैं हूं टेक्निकल वी, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये देख लीजिए, रमी पैलेस मैंने ओपन कर लिया। रमी पैलेस ओपन करने के बाद डायरेक्टली आपको कुछ करना नहीं है, मेरा ऑलरेडी KYC हो चुका है। KYC होने के बाद डायरेक्टली आप विड्रॉल लगा सकते हो, नहीं तो आप विड्रॉल नहीं लगा सकते हो। पहले फर्स्ट स्टार्टिंग पे आपको KYC होना जरूरी है, तभी आप विड्रॉल लगा सकते हो। मेरे पास 116 मेरे पास ऑलरेडी है, उसमें का 100 आपके सामने विड्रॉल लगा के दिखाते हो। पूरा का पूरा डिटेल आपके सामने और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली 160 में विड्रॉल लगा देते। ये देख लीजिए, विड्रॉल लगाने के बाद डायरेक्टली आप विड्रॉल पे क्लिक कर लेता। विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपको कुछ करना नहीं है, आपके सामने पूरा का पूरा डिटेल आ गया है। ये देख लीजिए, मेरा बैंक अकाउंट है लेफ्ट साइड पे, और हम मिनिमम दिन में आपको 3 विड्रॉल लगा सकते हैं उसमें। तो ये देख लीजिए, पूरा का पूरा विड्रॉल लगा के दे देता हूँ आपके सामने। ये देख लीजिए, पूरा का पूरा विड्रॉल लगाने के बाद विड्रॉल पे कंफर्म पे क्लिक कर लेना और कंफर्म पे क्लिक कर लेना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली ये विड्रॉल पूरा का पूरा डिटेल प्रोसेसिंग पे चला गया। प्रोसेसिंग पे चला जाने के बाद ये देख लीजिए, प्रोसेसिंग चला गया। प्रोसेसिंग पे चलाने के बाद सिर्फ 5 या 10 में आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।